गाने का कोई अवार्ड मिला होगा। नहीं। तो क्या बात है, तुम खुद ही बता दो। अच्छा, आपको लड़का पसंद है या लड़की पसंद है? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम माँ बनने वाली हो ये सुनकर खुशी हुई, पर इस बच्चे का बाप मैं हूँ ऐसा मत बोलना। क्या कहा? तुम्हारे कितने ही चाहने वाले हैं, और उनमें मैं भी एक हूँ। पता नहीं अपने चाहने वालों में से तुमने किस किस को ये कहा होगा, पर मैं इसका बाप नहीं। माना कि हम दोनों ने प्यार किया और प्यार के बीच ये आया, तो या बच्चे को मार दो या फिर मुझे छोड़ दो, फैसला तुम्हारा है। मेले में गाना गाने वाली और होटल में नाचने वाली, तुम्हारा एक पति से क्या होगा? मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की कसम खाके कहती हूँ कि आपको आपके किए गए पाप की सजा अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में यहीं पर भुगतनी पड़ेगी। इंदर सिंह की छोटी बहन यहाँ मंगलसूत्र बांधे बिना पेट में बच्चा लिए मेरे सामने खड़ी है। तू गाना गाएगी और मैं पैसा कमाऊंगा, मैंने ये सोचा था। तू रंगरलिया मनाए और मैं तेरे ऊपर पैसे खर्च करूं, ये नहीं सोचा था मैंने। अगर तू एक बच्चे की माँ बन गई तो तेरा मार्केट तो जाएगा, मेरा मनी मार्केट भी चला जाएगा। रो रही है, ठीक है। अब जल्दी से एक बात तू मुझे बता, तुझे इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है? भैया, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम उनका पता लगाकर मेरी उनसे शादी नहीं करवा सकते? करा सकता हूँ, अगर वो पैसे वाला हुआ तो। गरीब हुआ तो तेरे बच्चे को मिटा दूंगा। छी, कैसे भाई हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे बच्चे को मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। अलग करके दिखाता हूँ। सर, आपकी बहन को लड़का हुआ है। बहुत खुशी हुई, जाओ। कंग्रेचुलेशन। तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी बहन के तो लड़का हुआ है ना। सर, अगर उसने बड़ा होकर पूछा मेरा बाप कौन है तो मैं क्या बताऊंगा, इसलिए वो बच्चा मर गया ऐसा मेरी बहन से बोल दीजिए सर। व्हाट? आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बोल दीजिए सर। मेरी बहन एक इज्जतदार की तरह अपनी जिंदगी शादी करके हंसी खुशी बिताए, यही इस भाई की तमन्ना है सर। मेरे ऊपर अपनी दया का हाथ रख दो डॉक्टर सर, हाथ रख दो ना सर। मेरे झूठ बोलने से अगर तुम्हारी बहन की जिंदगी बच सकती है तो मैं झूठ बोल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं कसम खा के बोलता हूँ, तेरा बच्चा मरा ही पैदा हुआ, तुझसे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मेरा भरोसा नहीं है तो उस नर्स और डॉक्टर से पूछ ले। अरुण सिंह। आइए सर जी, आइए। मुझे बिल्डिंग पे इतना ऊपर क्यों बुला लिया? तुझे ढकेलने के लिए। अरे, इस बच्चे को तेरे पास ढकेलने आया हूँ। बच्चे को? ये मेरी बहन का बच्चा है, इसके पैदा होते ही वो मर गई, इसलिए इस बच्चे को कैसे भी मार दे उसके लिए। ये ले 5,000 रुपये। लेकिन बच्चे को मैं होश में कैसे मार पाऊंगा? हाँ, ये देख, तेरे लिए तो बाहर ही उठा लाया। नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर ही रख दीजिए। ये बात। अरे अरे, हाथ नहीं है, ऊपर ही रख इसे। लेकिन दोनों को एक साथ कैसे संभालूं? इसको ऊपर भेज, लेकिन किसी को पता ना चले, समझा? चिल्लाए बगैर इस बच्चे को मार दे, उसके बाद तू जो चाहे वो कर। राजा, आवाज मत करना। बाप भाग गया, माँ मर गई और मामा ने मार डालने को कह दिया है। तू डर मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं, ये इंसानियत के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे खर्चे के लिए कर रहा हूँ। तुझे जिंदा रख के मैं जीऊंगा। पूनम,
भैया मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुमने भी मुझे धोखा दिया भैया, जिससे प्यार किया उसने भी धोखा दिया, मुझे जन्म देने वाले बच्चे ने भी धोखा दिया, अब इस धोखेबाज संसार में मैं जी के क्या करूंगी। बेटा मुझे माफ कर दे, इसे तू पी नहीं सकता, जो तू पी सकता वो मैं दे नहीं सकता। ए बहन जी, बच्चा रो रहा है, इसे भी थोड़ा दूध दो ना। चुप करो। अपने बच्चों को पिलाने से पहले गांव के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। शराब पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, दूध पिलाने के लिए नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तुझे भगवान कभी भूखा नहीं रखेगा बेटा। कल पढ़ाए गए पाठ से कुछ पूछूं तो जवाब दोगी ना बेटा? हाँ। रामायण में राम जी को कितने सालों का वनवास हुआ था? 2 साल। 14 साल सर। तुम्हें कैसे पता बेटा? सर जब आप बेबी को पढ़ाते थे तो मैं भी सुनता था। तुम यहाँ काम कर रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जाते? सर मेरे पिताजी अपने शराब के शौक के लिए मुझे यहाँ काम पर भेजते हैं। क्या, तू पढ़कर बड़ा कलेक्टर बनने वाला है? हा? तुझे घर में क्या पढ़ाने के लिए रखा है, और तू दुनिया वालों को बताएगा कि तू मेरी बेटी से ज्यादा पढ़ा लिखा? भाग यहाँ से, जा। डांस देखने नहीं आया, बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को लाओ। अरे तुम क्या खाना खाना कर रहे हो, तुम्हारे खाने से ज्यादा ये गाना जरूरी है। ए, मेरा खाना कहाँ है? ओए, रुको यार, क्यों रे सेना, रेडियो खराब हो गया क्या? हीरा, तुम्हारी नौकरी गई। सर क्या बोल रहे हैं सर, व्हाट टॉकिंग सर? काम छोड़ के डांस करते हो? मुझे कुछ पता नहीं, इस गाने को सुनते ही मैं कहीं खो जाता हूँ, मेरा तन मन मेरे वश में नहीं रहता, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब क्यों होता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये गाना सुनते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ सर, सब कुछ। I don't want hear all this nonsense. सर, मैं आपके हाथ जोड़ता, मुझे माफ कर दो सर, मुझे काम से मत निकालो सर। 31 तारीख को अपनी पगार ले लेना। सर घर गया तो मेरा बापू मुझे छोड़ेगा नहीं सर। वो सब मैं नहीं जानता। नौकरी छूट गई तो मेरा बापू मुझे मार डालेगा सर। डांस करने से पहले सोचना था ना, ये नाच तो ऐसे रहा था जैसे तेरी माँ गा रही हो। सर मुझसे गलती हो गई, इस बार मुझे माफ कर दो सर। नो, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ सर। नो, गेट आउट। जा रहा हूँ मैं। अरे घर तो जाना ही पड़ेगा। अरे बेटा तू तो गया काम से, इडियट ऑफ द फुल स्टूपिड नॉनसेंस। मुझे मत मारो पिताजी, मुझे मत मारो पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी। ए
एक टाइम नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी। हीरा, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या पहली बार देखा है? भूल गए क्या? अरे नहीं यार, ये नौकरी भी गई। ओहो, ये बात है? फिर तो आज तेरा बापू तुझे गांव में भगा 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 के मारेगा। अबे क्या बक रहा है बे? अच्छा पगार तो दी ना तुझे? अबे नहीं यार, वो तो 31 तारीख को देगा। अरे वाह, फिर तो तू आज बाप से रजनीकांत स्टाइल में मार खाएगा। साला तू दोस्त है कि दुश्मन? मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे हीरो रुक तो। अरे नहीं रुकूंगा। अरे जा। नहीं। अरे कहां भाग रहा है? नहीं रुकूंगा। अरे बाप की मार से बचने का एक आइडिया है मेरे पास, रुक तो। क्या आइडिया है? पास के गांव में एक फैक्ट्री खुली है, वहां जाके तू भी काम के लिए ट्राई कर, तुझे काम मिल जाएगा। और काम लग गया मेरे दोस्त तो तू बच जाएगा, मेरे दोस्त बच जाएगा। सच कह रहा है तू? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तू ही सच्चा दोस्त है, हमेशा समय पे काम आता है। अरे अभी थोड़ा बचा है। ए, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे। अरे घबरा मत गिरा, पहले नौकरी मिलने के बारे में बताएंगे, उसके बाद नौकरी छूटने के बारे में बताएंगे। और बापू देखो अपने बेटे की तरफ, जरा देखो हीरा को। मैनेजर ने नौकरी से निकाल दिया इसे। मरवा दिया इसने। बापू मारना नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है बापू, मुझे माफ कर दो। उस गाने को सुनते ही बापू मैं अपने आप नाचने लगता हूँ बापू, मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता बापू, समझ में नहीं आता। कौन सा गाना? अच्छा ये गाना? हाँ बापू, इस गाने को सुनते ही मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या होने लगता है, मुझे कुछ पता भी नहीं चलता और मेरे पैर अपने आप उस गाने पर थिरकने लगते हैं बापू। दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो, सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला, देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला। देखो दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो, सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। कसम से दे घर सहारा, उसकी छाया से चलता गुजारा, कोई घर लंबा मिले जमाना कदम तले, सवार हो के उसके संग संग बढ़ चलो, उसे झुकना ही पड़े प्यार करना ही पड़े, जो रुको प्यार करे वो बड़े ही मन से, मोटा हो या लंबा हो दामाद आता बड़े काम रखना यार, कोई ऐसा ना मिल जाए कहीं हजम कर ले सारा माल। दूर कभी थे ए ए ए ए दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो, सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला, देखो देखो जोड़ी है क्या, दामाद ये कैसा मिला। दूर कभी थे अभी हो गए हैं एक जान, प्यार बड़ा गहरा है जान लो, सात जन्म के बंधन में ये बंध गए, दामाद को पहचान लो। मैडम मैडम, मैं आपका फैन हूँ, इस फोटो पर अपना साइन कर दीजिए ना। आपकी फोटो है,
साइन कर दीजिए ना। कैसे नहीं नाचेगा तू, तेरी माँ का गाना जो है। ए, चिंता मत कर, दूसरा काम मिल जाएगा। बापू तुम मुझे मारोगे नहीं ना? So nice, so good, happy boy. मैं क्या कह रहा था चाचा जी कि कल पास वाले गांव में काम के लिए हम लोग जा रहे हैं और मेरी गारंटी पे हीरा को काम मिल जाएगा। मैंने कहा चलो 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 तू जा। मालिक मालिक मालिक, मेरा पैसा आपने रिटायरमेंट के टाइम में देने का वादा किया था, अब आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? वादा पूरा करना जरूरी है क्या? कोई कहता है कि मार डालूंगा तो क्या वो मार डालता है? इसी पैसे की उम्मीद में मैंने अपनी बेटी की शादी तय की थी। मालिक फिक्र मत कर, तू अपनी बेटी मेरे पास ला, मैं उसे रख लूंगा। मालिक गरीब है, उसका पैसा दे दो ना। ए, अगर तुझे नौकरी चाहिए तो लाइन में खड़ा रहे, नेतागिरी मत कर। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन इस गरीब का पैसा जरूर दे दो मालिक। अगर पैसा नहीं दिया तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? तुझे गांव से गायब करवा दूंगा मैं। क्या कहा? रजनीकांत का नाम सुना है तूने, अमिताभ बच्चन का नाम सुना है तूने और धर्मेंद्र का नाम सुना है तूने, इन सबको मिलाकर ऐसी कोरियोग्राफी में तेरी पिटाई करूंगा कि याद रखेगा तू, आगे से धमकी देना भूल जाएगा। ए, इनको बाहर निकालो। जोश जोश में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया यार हीरा, अब आगे तुझे ही संभालना है मेरे दोस्त, मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्ते, यहाँ पे काफी लोग काम कर रहे हैं, अगर हम अपना काम यहाँ करेंगे तो इनको परेशानी होगी, इसलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं। आजा आजा। उस्ताद को बुलाना पड़ेगा। उस्ताद कहाँ हो तुम? उस्ताद, अरे मुझे बताना है। थू मालिक, फैक्ट्री में घुसकर एक गुंडा हमारे आदमियों को मार रहा है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, जल्दी आइए मालिक। आ देखा ना उस्ताद, तुम्हारे सामने मार रहा है। अब उस्ताद से लड़के दिखा। देखो ना उस्ताद, तुम्हारे सामने उल दे रहे हैं। ले पकड़। ये बीड़ी खत्म होने से पहले तेरे मालिक को लुढ़का दूंगा। Ugh!